बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज आपका एक कंपटीशन भी है, आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया था मैसेज, उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना सभी को। आपको एक काइट बनाना है अपने हाथ से, ठीक है, ये नहीं है दुकान में से ले आए 10 रुपए का खरीद के उसकी फोटो खींच के भेज दी, उसका पता लग जाता है, ठीक है। तो आपको एक काइट बनाना है और उस काइट की फोटो खींच के आपकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, सर को भेज देना, सतेंद्र सर के पास भेज देना, वो फिर आपका पोजीशन डिसाइड होगी और आपको प्राइज मिलेगा जब आप स्कूल में आओगे तब, ठीक है। अभी अपने काम की बात करते हैं, ये जो क्लास की बात हमने कल एक्सरसाइज 3.3 की थी, उसका सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों में ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। क्या सीखा था? स्क्वायर रूट कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनके पेयर्स बनाते थे और फिर पेयर्स में से क्या करते थे, एक एक फैक्टर उठा लेते थे और उनकी मल्टीप्लाई करवा देते। एक पेयर में से सिर्फ हमें एक ही फैक्टर लेना है और वो फैक्टर लेकर हम नीचे अलग से मल्टीप्लाई कर देते थे, जितने फैक्टर्स आते थे वही मल्टीप्लाई हमारी क्या होती थी, स्क्वायर रूट होती थी उस गिवन नंबर के। अभी जो हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कल किया था बेटा, उसमें हमारे पास डायरेक्ट हमें बोला हुआ था कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। लेकिन अभी जो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें डायरेक्ट नहीं बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, उसको हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4th है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले तो। कहता 5,929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए ऑडिटोरियम इन सच ए मैनर दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट इन ए रो एज देयर आर रोज इन द ऑडिटोरियम। इशू बेटा नहीं, हाउ मैनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम। कहता है कि हमारे पास एक स्कूल में कहीं पर भी टोटल 5,929 स्टूडेंट्स हैं टोटल। उनको एक हॉल में बैठाया जाता है, ऑडिटोरियम में बैठाया जाता है और वहां पर कहता उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है, उनको इस तरह से बैठाया जाता है कि हमारे पास देखो इन सच ए मैनर दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट इन ए रो। कहता एक रो के अंदर उतने स्टूडेंट होंगे एज देयर आर रो इन ऑडिटोरियम, जितनी रो होंगी टोटल ऑडिटोरियम, ठीक है। फिर नितिन बेटा माइक बंद रखो अपना। जो हमारे पास ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स को बताया हुआ है इस तरह से रो बनाकर, ठीक है। ये मान लो हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, इस तरह से रो बनाई हुई है, लाइंस बनाई हुई है। कहता है मीन आपको मैं लाइन बोल के समझाता हूँ, एक लाइन में कितने बच्चे होंगे, टोटल लाइन होंगी। मान लो यहाँ पर हमने टोटल लाइंस कितनी दिखा दी, 4 लाइंस दिखा दी, 1, 2, 3, 4 4 लाइंस दिखा दी। तो कहता है 4 लाइंस होंगी तो एक लाइन में 4 ही स्टूडेंट होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 5 लाइंस हो जाएंगी तो एक लाइन में 5 ही स्टूडेंट होंगे। अगर 6 लाइंस होंगी तो एक लाइन में 6 स्टूडेंट होंगे। हमें ये बताना बेटा कि हमारे पास उस ऑडिटोरियम में कितनी रोज होंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज बताना हमें, कितनी लाइंस होंगी टोटल। इसकी जगह वो एक और बात भी पूछ सकता है बेटा कि हमारे पास एक रो में कितने स्टूडेंट होंगे। इसी क्वेश्चन में दोनों इक्वल ही आएंगे, जितनी हमारे पास लाइंस होंगी उतने ही एक लाइन में स्टूडेंट हैं। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि टोटल लाइंस कितनी होंगी, टोटल रो कितनी होंगी। वो ये भी पूछ सकता है कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि इसने बताया हुआ है जितनी हमारे पास लाइंस होंगी उतने ही स्टूडेंट होंगे एक लाइन में,
ठीक है, और यही हमें निकालना है कि हमारे पास 5,929 स्टूडेंट्स है, इनको किस तरह से अरेंज करें कि जितनी हमारे पास लाइन्स हो उतने ही एक स्टूडेंट एक लाइन में स्टूडेंट हो, जितनी लाइन्स हो उतने ही स्टूडेंट्स हो एक लाइन में। ठीक है, क्या करेंगे सिंपल बेटा, 5,929 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ये तो हमारे पास लार्ज नंबर है, मैं आपको स्मॉल नंबर लेकर समझाता हूँ। मान लो हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है 9, मैं आपको समझाने के लिए बताऊं स्मॉल नंबर लेकर, ये बड़े नंबर में समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, स्मॉल नंबर आसानी से समझ जाते हैं। मान लिया हमने 9 स्टूडेंट है, तो 9 स्टूडेंट्स को हम किस तरह से अरेंज कर सकते, देखो 1, 2, 3, एक लाइन में हमने 3 स्टूडेंट बैठाए, दूसरी लाइन में भी हमने 3 स्टूडेंट्स बैठाए, और तीसरी लाइन में भी हमने 3 स्टूडेंट बैठाए। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन में 3 स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन में भी 3 स्टूडेंट्स, और थर्ड लाइन में भी 3 स्टूडेंट। पहले मैं इस स्टूडेंट को ठीक से कर दूं कौन है ये, उसके बाद आपको समझाता हूँ। लाइन में भी 3 स्टूडेंट, सेकंड में भी और थर्ड में भी, ठीक है, टोटल 9 स्टूडेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 स्टूडेंट्स हमने अरेंज कर दिए। किस तरह से अरेंज करें कि जितनी हमारे पास लाइंस है, देखो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जितनी हमारे पास लाइंस है उतने ही स्टूडेंट है एक लाइन में। 3 हमारे पास लाइंस है और एक लाइन में हमारे पास देख लो आप 3 स्टूडेंट है, 1, 2, 3, ठीक है, और वो कितने हो गए, आंसर हमारा कितना आया, 3 आ गया। 3 क्या बनता है, 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। 9 थे ना टोटल स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर रूट हमने निकाला, 9 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है, और 3 ही स्टूडेंट हमारे पास एक लाइन में है, और टोटल 3 ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है क्या निकालेंगे हम, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालने का मेथड हमें पता है क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5,929 का स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले देखो ये 7 से डिवाइड होगा, वो किसी से नहीं होगा ना, 2, 6, 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड, दोबारा 7 से डिवाइड करने को अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 और 11 को 11 से डिवाइड किया 1, हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 7, 7, 11, 11, ठीक है, इनके पेयर्स बना देंगे, पेयर्स बनाई हमने, 7 एंड 7 का एक पेयर बन गया, 11 एंड 11 का एक पेयर बन गया। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर हमने उठा लिया, यहाँ से हमने 7 उठा लिया, इस पेयर में से हमने 11 उठा दिया, 7 की मल्टीप्लाई 11 से कर दी, 11 7 77, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 77 आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगी ऑडिटोरियम में वो कितनी होंगी, 77 के इक्वल। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया वो ये भी पूछ सकता है कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो एक रो में भी कितने स्टूडेंट होंगे, 77। ठीक है, एक रो में भी 77 स्टूडेंट होंगे और टोटल रो भी हमारे पास 77 होंगी, तभी टोटल स्टूडेंट हमारे कितने बनेंगे, 5,920। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो किसी भी पॉइंट में, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए बेटा बता देना। फिफ्थ क्वेश्चन है, इस स्कूल कलेक्ट रुपीज 2,304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स। कहता है स्कूल में जो एक स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी टोटल फीस इतनी आती है 2,304, इफ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसे एज देर वर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देर इन द स्कूल। कहता है इफ ईच स्टूडेंट पे, कहता है जो प्रत्येक स्टूडेंट है ना वो कितने रुपए पे करता है, एज देर वर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो। मान लो स्कूल में अगर टोटल 50 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट 50 रुपए ही पे करेगा। क्या है, एक स्कूल में अगर टोटल स्टूडेंट मान लो 50 हो गए तो एक स्टूडेंट 50 रुपए ही क्या करेगा, फीस पे करेगा। इस तरह से रूल बनाया हुआ है।
In how many students, how many students were there in school? तो हमें ये बताना है कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, उनकी टोटल फीस हमें दे दी। टोटल फीस क्या होगी? 2304 के इक्वल है। वही बात आ गई बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में हमें वो स्टूडेंट्स दे दिए थे कि जितनी हमारे पास वो होगी, जितनी लाइन्स होंगी उतने ही स्टूडेंट होंगे एक लाइन में। अगर मान लो हमारे पास 20 हो जा गई तो एक वो में 20 ही स्टूडेंट थे। वही कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। अगर मान लो टोटल स्टूडेंट स्कूल में 50 है तो एक स्टूडेंट 50 रुपए ही पे करेगा, ठीक है। सेम वही कंडीशन आ जाती है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम 2304 का क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2304 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट बेटा वही मेथड आया इसमें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि मान लो 9 स्टूडेंट्स हम लेकर चले थे तो हमारे पास 9 स्टूडेंट्स के अंदर 3 रो बनी थी, तो एक स्टूडेंट में हमारे पास एक रो में 3 ही स्टूडेंट आए थे। टोटल कितनी रो बनी थी? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक रो में कितने स्टूडेंट आए थे? 3 ही स्टूडेंट आए थे। वो किस मेथड से आए थे? स्क्वायर रूट ऑफ 9 करने पर आता है हमारे पास 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 करने पर 3 आता है और वही 3 हमारा ऐसे एडजस्ट होगा। इसी तरह से इसमें भी वही बात कहता है कि अगर स्कूल में जितने स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट उतनी ही फीस पे करेगा। मान लो एक स्कूल में, मान लो इसमें 5 स्टूडेंट है, स्टूडेंट है 5, तो प्रत्येक स्टूडेंट 5 रुपए पे करेगा। एक स्टूडेंट की फीस कितनी हो गई? 5, तो 5 स्टूडेंट की फीस कितनी हो जाएगी? 5 × 5, ये क्या बनेगा? 25, और ये क्या बन जाता है? एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसी तरह से 2304 भी क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर होगा। मान लो स्कूल की टोटल फीस कितनी आती है? 25 आती है, और कुछ मान लो आप 49, मान लो 49 रुपए आती है स्कूल की टोटल फीस। तो 49 कैसे आएगी? ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा बेटा। और ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? 7 × 7 करने पर। मतलब इसमें 7 स्टूडेंट्स थे, वो 7 स्टूडेंट ने 7 रुपीज क्या किए? जमा किए, तो 7 × 7 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया 49। जितने स्टूडेंट होंगे उतने ही फीस वो जमा करवाएंगे। अगर ए स्टूडेंट है तो ए ही फीस वो जमा करवाएंगे, तो ये हमेशा क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बेटा, ठीक है। ये क्या होगा? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू ही हमारी क्या आएगी? टोटल स्टूडेंट इन स्कूल। मान लिया हमने टोटल स्टूडेंट ए है, और जो ए स्टूडेंट है वो ए ही फीस जमा करवाएंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर के इक्वल आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है 2304। स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है? 2304। मतलब इस परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, और हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर रूट करके निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट, जैसे इसका स्क्वायर रूट करेंगे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए क्या होगा? ए वही होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल होगा, ठीक है बेटा, समझे थोड़ा। इस तरह की कंडीशन कहीं पर भी आ जाए कि उतने ही स्टूडेंट होंगे, उतनी फीस जमा करवाएंगे, उतनी ही वो होंगी, उतनी कॉलम होंगी, उतनी फीस होती है, उस तरह के कितने भी कुछ भी आ सकता है इसके बारे में। जैसे यहाँ पर ये बता दिया था कि भाई जितने हमारे पास रोज होंगी उतने ही स्टूडेंट होंगे एक रो में। आगे ये भी अब आता है कि जितने हमारे पास रो होंगी उतनी ही हमारे पास कॉलम होंगी, तो वो एक ही बात होती है, उसमें भी हम क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं। इस तरह की कंडीशन कहीं पर भी लग जाए, जितनी हो उतने ही कॉलम, जितने स्टूडेंट उतनी फीस, जितनी स्टूडेंट उतने ही प्राइस, भी इस तरह से भी आ सकता है, तो हमेशा उसका क्या निकालेंगे बेटा? स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है। 2304 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 1152, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, इस तरह से 9 तक 2 से डिवाइड हो गई, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1, इस तरह से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स जो हमारे आते हैं, फैक्टर्स में हमारे पास 8 टाइम्स तो 2 आता है और 2 टाइम्स 3 आता है। 8 टाइम्स तो हमारे पास 2 आ गया और 2 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया। इसके पेयर्स बना लो, एक पेयर 2 का, दूसरा 2 का, तीसरा पेयर 2 का, चौथा पेयर 2 का, और एक पेयर हमारे पास किसका बन गया? 3 का।
पेयर्स हमने बना लिए, पेयर्स में से हमें एक एक नंबर उठाना है, एक एक फैक्टर हमें उठाना है, टू 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 फोर टाइम्स टू आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में थ्री आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 48। ठीक है बेटा, इसकी स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 आ गया मतलब टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में कितने होंगे 48 होंगे। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 48 आ गए मतलब एक स्टूडेंट 48 फीस जमा करवाएगा, 48 रुपीज फीस जमा करवाएगा, और 48 ही स्टूडेंट है तो 48 मल्टीप्लाई 48 आप करके देख लेना कितना आएगा 2304 आएगा। टोटल स्टूडेंट्स 48 है, 48 स्टूडेंट्स हैं तो एक स्टूडेंट कितनी फीस जमा करवाएगा 48, और 48 स्टूडेंट्स की फीस कितनी हो जाएगी 48 मल्टीप्लाई 48 वो किसके इक्वल आएगी 2304 के इक्वल। ठीक है ये बेटा, इसके बाद ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये मिसप्रिंट से लिखा गया फर्स्ट। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन भी। ए पीटी टीचर वांट टू अरेंज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ 6000 स्टूडेंट्स इन ए फील्ड। कहता है हमारे पास एक जो पीटी का टीचर है वो स्टूडेंट्स को अरेंज करता है हॉल में, ग्राउंड में या फिर हॉल में कहीं भी वो स्टूडेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करता है, कितने स्टूडेंट्स को 6000 स्टूडेंट्स को, किस तरह से, सच दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो मैंने अभी अभी बात बताई थी बेटा, वही बात आगे सेम कि वो इस तरह से अरेंज करना चाहता है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो जो हो वो किसके इक्वल हो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रो इफ 27 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट। ये बात मेन पॉइंट है बेटा, इस बात को ध्यान से समझना एक बार। वो कहता है अरेंज करता है लेकिन 71 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट, जो 71 स्टूडेंट्स है वो अरेंजमेंट में नहीं आते हैं। ठीक है, पीटी टीचर 6000 स्टूडेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करता है फील्ड में, और किस तरह से, मान लो इस तरह से अरेंज करता है कि जितने हमारे पास कॉलम्स हो उतने ही हमारे पास कितनी हो रो। देखो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अगर हमारे पास कहता है फोर कॉलम हो जाते हैं तो फोर ही हमारे पास रोज होने चाहिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ठीक है, जितने नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे उतने नंबर्स ऑफ ही हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये वही बात आ गई बेटा, जितनी हमारे पास रोज है उतने ही स्टूडेंट आएंगे कॉलम में, देख लो 1, 2, 3, 4 वही बात हो गई कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, लाइंस कितनी हो गई, 4 आ गई, 4 आ गई, तो एक लाइन में हमारे पास 4 ही स्टूडेंट है यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ठीक है, वो उस तरह से भी बोल सकता है, इस तरह से भी बोल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, ये बात तो वहीं तक है, लेकिन जो अलग पॉइंट है वो क्या है, अलग पॉइंट ये कहता है कि इफ 71 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट। कहता है जो उसने अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट में 71 स्टूडेंट्स है वो अरेंजमेंट में नहीं आए। वो अरेंजमेंट में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं था 6000 क्या नहीं था, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं था। जब हम 6000 में से 71 को माइनस कर देंगे तब वो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बनेगा। 6000 में से 71 स्टूडेंट्स कौन से बच गए, जो परफेक्ट स्क्वेयर से ऊपर वाले बच्चे थे। मान लो परफेक्ट स्क्वेयर हमारे पास 25 होता है और हम 27 स्टूडेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करें तो वो इस तरह से कभी अरेंज नहीं हो पाएंगे, वो तभी अरेंज हो पाएंगे जब वो एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होगा। ठीक है, जो ऊपर के नंबर्स होंगे परफेक्ट स्केल से एक्स्ट्रा नंबर बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो हमेशा लेफ्ट आउट होंगे, जिससे अगर 27 को कोशिश करो आप कभी नहीं कर पाओगे। 25 हमारे पास है, देखो 1, 2, 3, 4, 5
टू थ्री फोर फाइव, फाइव ही तो हमारे पास रो होंगी और फाइव ही हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हमारे पास रोज है और फाइव ही हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। लेकिन अगर हम 27 स्टूडेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करें तो इसमें टू स्टूडेंट्स तो यहाँ आ जाएंगे, फिर ये जगह खाली खाली बच जाएगी, ये जगह क्या बच जाएगी, खाली बच जाएगी। 28 को करने की कोशिश करें फिर से ये खाली बच जाएगी, 29 को करने की कोशिश करें ये खाली बच जाएगी, 30 को करने की कोशिश करें तो हमारे पास रोज जो कॉलम्स अनइक्वल हो जाएंगी, ये सिक्स हो जाएंगी, ये फाइव हो जाएंगी। तो ये तभी पॉसिबल होगा बेटा जब हमारे पास ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 71 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं। पहले उनको हम माइनस करेंगे, 6000 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 71 को, ठीक है। जैसे माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 5929। और 5929 का स्क्वायर रूट हमने अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन ही था हमारे पास 5929, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आया था, 77 आ गया था। तो इसका स्क्वायर रूट भी कितना आएगा, 77 आएगा, ठीक है। मतलब उस हॉल में या उस ग्राउंड में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 5929, उसमें 71 हमारे पास कॉलम होंगे और 71 ही हमारे पास क्या होंगी, रोज होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट ये था बेटा, इसमें से 71 माइनस करना है, ठीक है। 71 क्या करना है, माइनस करना है, ये हमारे पास मेन पॉइंट था, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से, कि लास्ट के थ्री क्वेश्चन जो हमने किए थे ना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह से थे। और जो हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 25, 24, 18। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, और विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, जो एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो किससे, 25, 24, 18 से। अगर हम यहाँ से बेटा परफेक्ट स्क्वायर को हटा दें, एक बार मान लो हम परफेक्ट स्क्वायर को हटाते हैं, तो क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, हमें वो नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किस, नंबर्स होगा इन तीनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन तीनों नंबर्स का आएगा, वो इन तीनों नंबर्स का क्या होगा, एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, वो इन तीनों नंबर्स से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। सिक्स सेवंथ क्लास में हमने पढ़ा है बेटा ये पाते कि एग्जैक्ट डिविजिबल कौन सा नंबर्स होता है, एग्जैक्ट डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, इन तीनों का एलसीएम। लेकिन कहता है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्केयर नंबर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्केयर नंबर हम बाद में बनाएंगे, पहले हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है, वो नंबर निकालना है जो इनसे एग्जैक्ट डिविजिबल हो। दोनों कंडीशन होनी चाहिए बेटा, देखो इसमें दो कंडीशन दी हुई है, एक तो परफेक्ट स्केयर होना चाहिए और इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जैक्टली डिविजिबल देखेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होगा, क्या बेटा आवाज नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जो सबसे स्मॉल हो। इसमें लिखा हुआ देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल भी होना चाहिए इन तीनों नंबर से। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया, हम इसको भूल जाएंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, हम स्मॉलेस्ट वो नंबर निकालेंगे, खाली स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे जो इनसे एग्जैक्टली क्या हो, डिविजिबल हो। कौन सा नंबर होगा इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम, एलसीएम जो होता है वो तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है। एलसीएम आप
निकालो, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास सिंपल जो मेथड होता है वो हमारा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 25, 24, 18 तीनों को एक साथ लिखते हैं, तीनों को एक साथ हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर इनमें से अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब सभी नंबर्स 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएंगे उसके बाद 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड होने के बाद 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, उसी तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 25 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको एज इट इज लिख देंगे, जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज लिख, 25 एज इट इज। 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। दोबारा से देखो, हम 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमने 2 से डिवाइड किया, 25 एज इट इज, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 9 डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो 9 को एज इट इज से डिवाइड किया, 25 एज इट इज। यहां पर अब हमने देखा कोई भी नंबर 2 यहां से दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 25 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 3 से सभी नंबर्स डिवाइड हो गए, उसके बाद 5 से करेंगे, 25 को 5 से किया 5, 1 1, 5 को फिर 5 से किया 1 1 1, लास्ट में हमारे पास 1 1 1 बचना चाहिए सभी के नीचे। ये हमारे पास क्या आ गए, इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 2 2 3 3 5 5, इनको हमने प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया 2 2 2 3 3 5 5। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट वो नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना हमें। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, हेलो बेटा आवाज नहीं आई, दोबारा से बताओ माइक ऑन करके, कोई दिक्कत है तो बेटा दोबारा बताओ, वरना अपना माइक बंद रखो। ये जो नंबर है ये जरूरी नहीं परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा सभी से, इनसे क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नंबर कब बनता है, जब उसके जो भी पेयर्स होते हैं, पेयर्स क्या हो जाएं, सो जो भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स क्या हो जाएं, सभी फैक्टर्स पेयर हो जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। कोई नंबर है, उस नंबर के फैक्टर्स हमारे पास है, लेकिन वो नंबर्स जो हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, परफेक्ट स्क्वायर उसको जब बोलेंगे जब उसके फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स सभी क्या हो जाए, पेयर्ड हो जाए, सभी फैक्टर्स क्या हो, पेयर्ड हो, पेयर्ड होंगे तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोल देंगे। हमने देखा इसके पेयर्स बना के देखो, 2 and 2 का एक पेयर बन गया, 3 and 3 का एक पेयर बन गया, 5 and 5 का एक पेयर बन गया, लेकिन ये जो 2 था ये अकेला बच गया, ये पेयरिंग में नहीं आया, इसका जोड़ा नहीं बना, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। एग्जैक्टली डिविजिबल तो है, एग्जैक्टली डिविजिबल तो हमें पता है, क्योंकि सभी का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकाला है तो एग्जैक्टली डिविजिबल तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ये जो 2 फैक्टर था ये पेयर नहीं हुआ, अनपेयर्ड बच गया, अनपेयर्ड फैक्टर है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते थे, जब हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हों तो उसको परफेक्ट स्क्वायर हम बना देते थे। कैसे बना देते, जो भी हमारे पास फैक्टर बचा हुआ है एनपेयर्ड, उसी से हम क्या करवा देते थे, नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते थे, करवाते थे ना। ये हमसे क्वेश्चन आया था ना एक्सरसाइज 3.2 में कि इसको स्मॉलेस्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए परफेक्ट। हाँ बेटा सर, कौन सा नंबर है एग्जैक्टली डिविजिबल 25, 24 और 18 के? इन सभी की मल्टीप्लाई बेटा, इनकी मल्टीप्लाई मैंने की नहीं क्योंकि इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई मैं आपको अभी करके बता देता हूँ। 5 2 10, 5 2 10 और 3 3 9, 9 2 18, 1800 आएगा बेटा इनकी मल्टीप्लाई। जो ये फैक्टर्स आते हैं ना, इन सभी की मल्टीप्लाई तो एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है, इन सभी की मल्टीप्लाई, और इन सभी की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 1800, ठीक है। 1800 इन सभी से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन उसके जब हमने फैक्टर्स देखे, कोई भी क्वेश्चन हो इन सभी का, तो इन सभी की मल्टीप्लाई उसके फैक्टर्स की उसके इक्वल होती है ना, सॉरी डिविजिबल होती है ना उनके। हाँ वो हमेशा डिविजिबल होगी बेटा इन सभी नंबर से, क्योंकि ये इनके फैक्टर्स की जो मल्टीप्लाई आती है वो एलसीएम आता है। क्या निकलता है वो, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो हमेशा इन सभी से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अगर वो डिविजिबल नहीं है मतलब हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक है। अगर वो डिविजिबल नहीं होगा मतलब हमारे ही क्वेश्चन में मिस्टेक है सोल्व करने में, बाकी अगर वो सही क्वेश्चन हमने निकाला है तो एलसीएम हमेशा डिविजिबल होगा इन सभी, इन जो भी नंबर हो, दो भी नंबर हो सकते हैं, 3 भी 4 भी 5 भी, सभी नंबर से क्या होगा वो डिविजिबल होगा, ठीक है। कौन सा आया इसका, 1800। और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये जो फैक्टर्स आए हैं ना वही इसके फैक्टर होंगे बेटा। 1800 के फैक्टर क्या होंगे, ये जो हमने, निखिल वाव बेटा बहुत टाइम हो गया, इस 1800 के फैक्टर्स क्या आएंगे, जो ये हमने फैक्टर्स निकाले हैं ना यही फैक्टर्स आएंगे 1800 के, ठीक है। ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इसके फैक्टर्स ये आ गए, लेकिन हमने ये देखा कि ये परफेक्ट स्केल नहीं है। परफेक्ट स्केल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पेयरिंग जो हमें की थी, पेयरिंग में कंप्लीट पेयरिंग नहीं हुई, हमारे पास 2 अनपेयर्ड फैक्टर बच गया, ठीक है। 2 क्या बच गया हमारे पास, अनपेयर्ड फैक्टर बच गया। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते तो 2 को मल्टीप्लाई करवाने से ये सभी फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास। बेटा अगर किसी के पास वीडियो आ रही है तो बता दो, पता लग जाएगा मेरे नेटवर्क में दिक्कत है या सभी के वीडियो आ रही है। बेटा आपके मोबाइल के नेटवर्क में दिक्कत है, आप एक बार चेक कर लो। ये बेटा इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सभी फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और वो डिविजिबल भी होगा इन तीनों नंबर्स से, ठीक है। तो 1800 था, उसको या तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करवा दो या फिर इन फैक्टर्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। मैंने इसके फैक्टर्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और फैक्टर्स की जैसे 2 से मल्टीप्लाई की यहाँ पर सभी फैक्टर्स क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, ठीक है। पेयर होने के बाद में सर, हाँ बताओ, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या सभी फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? सभी को करवा दो या फिर अकेले 2 को करवा दो, बेटा एक ही बात आएगी, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। लास्ट में हमें सभी की मल्टीप्लाई ही करवानी है, ठीक है। यस सर, 2 को, 2 को चाहे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि होनी तो सभी की मल्टीप्लाई है, 2 की मल्टीप्लाई साथ होनी है। हाँ बेटा सर, आपने 2 को मल्टीप्लाई करा है तो वह पेयर 4 बने हैं, पेयर 3 भी तो बन सकते थे। पेयर 3 कैसे बनते, पेयर 3 जब बनते बेटा, जब हम इस 2 को क्या हटाते, हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। डिवाइड करने से वो क्या नहीं बनता, वो उसका वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनता। परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाता लेकिन इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल होता या नहीं होता वो हमें नहीं पता लगता। मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक भी करना पड़ता है क्या, फिर वेरीफाई करना पड़ता है? वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो रफ नोटबुक में करके देखना चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो, बाकी हमें दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है वेरीफाई करके।
ठीक है बेटा, इसमें करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर मान लो एग्जाम वगैरह में टाइम में आप ये सोचते हो कि हाँ मैं वेरीफाई करके देख लूं मेरा आंसर सही है गलत है, तब आप वेरीफाई करके देख सकते हो, जो भी नंबर आता है इसको इन सभी से डिवाइड करके देख लो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है या फिर नहीं होता है। सर वैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है तो किसी में डिवाइड भी हो सकता है ना, सेट इक्वेशंस में डिवाइड नहीं होगा बेटा, डिवाइड होगा ना तो फिर वही है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं बनेगा इन सभी से, क्योंकि जो हमने नंबर निकाला है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है, सबसे छोटा लिस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल है वो, उससे छोटा और कोई मल्टीपल है ही नहीं, उससे छोटा और कोई मल्टीपल नहीं है, मतलब और कोई नंबर उससे छोटा आएगा वो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड ही नहीं होगा। हमने एलसीएम निकाला है ना बेटा, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल जो लिस्ट है सबसे छोटा मल्टीपल है, अगर हमने 18,000 से छोटा कोई मल्टीपल निकाला तो वो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा मतलब हमारे पे वो काम का ही नहीं है, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड अगर हम करना चाहें, मान लो आप, मैं आपकी बात समझ गया बेटा, इस टू को मान लो हम जैसे डिवाइड करके भी हटा देते थे तो टू को डिवाइड करके हटाना चाहें तो फिर 18,000 का क्या बन जाएगा, 9,000 बन जाएगा, टू से डिवाइड करने पर 18,000 का 9,000 बन गया। अब जो 9,000 होगा वो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा बेटा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, डिवाइड करने पर नहीं आएगा। डिवाइड करने से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो 18,000 था वो पहले से ही हमारे पास लिस्ट नंबर था, सबसे छोटा नंबर था जो इन सभी से डिवाइड होता है, क्या था वो, सबसे छोटा नंबर था। 18,000 से बड़े हो सकते हैं नंबर लेकिन उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन सभी से डिवाइड हो। ठीक है ना बेटा, इसलिए हम डिवाइड नहीं करते, इसलिए डिवाइड नहीं करते क्योंकि 18,000 से छोटा नंबर जो भी होगा वो तीनों से डिवाइड नहीं होगा। हाँ बताओ बेटा। सर कोई भी नंबर का एलसीएम उसके सबसे छोटा होता है ना डिविजिबल वाला वो पार्ट, वो उससे और कोई छोटा नंबर उन तीनों से डिविजिबल नहीं होगा। एलसीएम से छोटा कोई भी नंबर इन तीनों से डिविजिबल नहीं होगा, कोई भी नंबर ले लेना, दो हो सकता है दो से हो जाए लेकिन फिर वो तीसरे से नहीं होगा। ठीक है ना, उससे छोटा मान लो एलसीएम से कोई छोटा नंबर हम लेते हैं तो वो हो सकता है दो नंबर से हो जाए, अगर चार नंबर है तो हो सकता है तीन नंबर से हो जाए, लेकिन वो सभी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, दो नंबर है तो हो सकता है एक नंबर से हो जाए, एक से नहीं होगा वो कभी भी। एलसीएम से छोटा 25 से 22 होता तो वो 2 से डिवाइड हो जाता, तो उसका एलसीएम 2 हो जाता।